हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। स्वागत है भैया एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। सो आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, जैसे कि हम और गुनगुन अच्छे हैं। और हमारी आज गुनगुन सुबह से तैयार हो गई हैं और हम भी नहा के जल्दी से तैयार हो गए, क्योंकि इनको जाना है हमें बस में बैठाने के लिए। क्यों गुनगुन? तो भैया गुनगुन ने भी आज सुबह से जल्दी नहा ला है और सुबह के बज रहे होंगे करीब 6:30। तो जल्दी से इनको छोड़ के आते हैं हम। इनको पूरा सामान लग गया, देखो बगल में कितना हैवी बैग लगा रखे हैं। और एक और इनको मिनी बैग है कहाँ वो भैया, देखो ये, ओहो ये छोटे से बैग में पैसा रख ला इनने। तो चलो भैया जी तैयार है हमारे साथ गुनगुन, तो और बस इनकी मम्मा को इंतजार कर रहे हैं, बेबी तैयार हो जाए निकलती है फिर। क्यों गुनगुन अब कब आओगे तुम बताओ? अब आएंगे तो भैया बड़ा हो जाएगा। भैया बड़ा हो जाएगा? हाँ, मतलब अगर थोड़ा भैया और बड़ा हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगा लुभाने। अच्छा लो भाई साहब, तो गुनगुन को कहने का मतलब है कि जब एस बड़ा हो जाएगा फिर एस लुभाने जाएगा फिर हम आएंगे। और नहीं तो तुम ऐसा करियो, तुम तो उधर से बस में बैठ जाएंगे वो आ जाएगा। हाँ जी भी सही है, जी भी सही है। हाँ तो भैया गुनगुन तो हमारी कह रही है कि हम तो बस में बैठ के आ जाएंगे। तो कब आओगे बताओ? अभी तो अब आएंगे भैया। हाँ भैया की बर्थडे पे, भैया की बर्थडे पे। लो भाई साहब बहुत लंबा टिया रख दो गुनगुन ने। तो हमारी दीदी जी भी देखो तैयार हो गई। राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भैया सुबह से बहुत ठंड है, ठंड है हमारे भी हाथ हिल रहा है ठंड के माए, ठंडे पानी से नहाओ ना। सही बात है। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा श्री राधे। बढ़िया देखो इनको सूट रख के तैयार है। ले देखो गुनगुन की तरफ देख के वो बोली बुरा लग रहा है। गुनगुन तो रुक जाओ फिर, हाँ रुक जाओ फिर। क्यों फिर कभी आओगे? चलो भैया बढ़िया है। तो भाई अब जाना पड़ेगा, गुनगुन की पढ़ाई भी छूट रही है और काफ़ी दिन रह भी लाओ है गुनगुन ने। तो चलो भाई तैयार हो? तैयार है। चलो भैया देखो देखो इनकी पोजीशन, देखो इनकी गुनगुन हंस रही है। ए? अरे तो गुनगुन तो देखो हंस रही, गुनगुन कहाँ रो रही है? बताओ, रोने नहीं है पागल, चुप हो जा। बताओ बुरा लगता ही है भैया। देखो माता जी भी आ गए, राधे राधे। नहीं चुप हो जा, चुप हो जा मम्मी, रोने नहीं आते। चुप हो जा, चुप हो जा, बस कोई नहीं रोते ही अब ठीक है, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, सारा चुप हो जाओ। चलो लेट हो रहा है फिर अपन। चुप हो जाओ, चलो आ जाओ, लेट हो रहा है फिर अपन बस निकल जाए। तो चलते हैं दोस्तों, इन्हें बिठा दे और इनकी बस आएगी करीब 7:30 और ये 10:30 के आसपास मतलब सुबह के टाइम पहुंच जाएंगी। तो वहां पे मिल जाएंगे गुनगुन के डैडी लेने के लिए। चलो हम जल्दी से छोड़ दें ना, आ जाओ। सुबह सुबह से देखो नल भी आ गए, मम्मी ने डिब्बा लगा दिया दो ठीक है भरने के लिए, उनका बैग और घी की कैटली तो देखो बाहर निकल गई। बाकी कुछ सामान इतने भी रखो, सो उठाए ले रहे, पहले गाड़ी निकाल लगा दें सीधी, फिर गाड़ी में रखें ले रहे। थैला देखो ये है तारा की, सामान को इसमें दाल वाल रख दी। और हमारे सेठ जी के लिए भैया रसगुल्ला बहुत पसंद है, तो सेठ जी के लिए रसगुल्ला भी इसी में बना के रख दिए है हमने, कल बनाए थे मम्मी ने, और इसमें भर दी है मूँगफली। गुनगुन हमारी इतनी बड़ी बोरी लेके जाएगी है। मम्मा लेके जाएंगी, पापा हम बुला लिए होते, हम फोन लगा दें भी ले जाऊँ तेरे से। तो हाँ तो बस में तो मैं रखवा दूंगा भैया, हाँ बस में मैं रखवा दूंगा, उधर से तुम्हारे पापा ले जाएंगे। मम्मा क्यों टांगेंगे, डिग्गी में रखवा देंगे हम। बस में जो डिग्गी रहती है उसमें हम रखवा देंगे, बन जाएगी
तो चलो भैया फटाफट गाड़ी लगा दें। लो भैया सामान तो रख दो है हमने गाड़ी में। चलो दीदी भी आ गई हैं। चलो गुनगुन बैठो। हाँ आ जाओ तुम, आगे आ जाओ तुम, पीछे हो जाइए उतार। चलो बैठ जाइएगा तुम आगे। देखो गुनगुन तो हमारे आगे बैठ गई है। चलो यस भी देखो पृथ्वी पर तक छोड़ भी जा रहे हैं गुनगुन को, ये भी बैठ गए। चलो आ जाओ। लो भैया सब हो गया है, अब चलते हैं फटाफट क्योंकि समय भी हो रहा। चलें ठीक है, चुप हो जाओ, रोने नहीं पड़ता। अब प्रतिपुर पहुंच गए हम लोग और हमारी गुनगुन दीदी देखो ये बैठी। ठंड तो नहीं लग रही दीदी? नहीं लग रही। चलो भाई बढ़िया है, गुनगुन को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही। गाइस शीशा बंद करें। और हमारे प्रतिपुर में सुबह सुबह से देखो कितनी शांति सी रहती है भैया, कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम से खाली खाली हो। अबे आप 2 घंटे बाद देखना यहाँ पे, यानी 8:30-9 के टाइम पे देखना, तो जिधर हम चल रहे इतने कड़वे में बहुत ही मुश्किल पड़ जात, यानी ये समझ लो कि हर 2 मिनट में इतने जाम लग जाती। अबे हाल तो देखो कितनी शांति सी है, वाह। तो यहाँ पे होती हैं भैया हमारे यहाँ की बसें खड़ी, तो ये तो जाने कहाँ के लिए खड़ी है, इसके बाद आएगी कोई दूसरी। तो दोस्तों इस गाड़ी में बैठा लो है और इसी में बैठ गई हैं भैया दीदी गुनगुन, ये अभी 10:30 बजे पहुंच जाएंगी। हम और यश निकलते हैं अब घर। आ जा भैया, कहाँ गए? देखो यश आ गए। चलो अभी हम लोग निकलते हैं अब घर। यस के तो देखो कपड़ा चेंज हो गया, यूनिफॉर्म पहन ली है इनने, कहा कि स्कूल के लिए टाइम होगा इनको। मम्मी भी बैठी हैं तई, और देख निधि भी इधर ही खड़ी। कछु काम देखा भज जाओ अभी पहले आने जा काए जा लगा ही के तो सुनो सुनो गए। अच्छा वाह, चलो भाई ठीक है। तो बुरा तो देखो लगता है जब 4-6 दिन कोई व्यक्ति अपने साथ रहे, और सबसे ज़्यादा गुनगुन को लग रहा है भज्जा, समझ रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर से बुला लेंगे, फिर आ जाएंगी। चलो अब क्या करें भाई, पढ़ाई करने मोड़ी हूँ, पढ़ने स्कूल जात हुई है तो पढ़ाई भी छूट रही। चलो ठीक है, तो एक दिन रहेगी काफ़ी है। बाकी अब ऐस जा रहे हैं स्कूल, मम्मी भी बैठ चलो बुरा तो लगता ही है भाई। चलो ठीक है फिर लवा ले, एक दिन जाएंगे तो ठीक है। चलो काम करो जाओ। देखो इनके जी हाल भैया है, कहा है अरे तो अजीब सो लग रहा, तो का मोड़ी थी बनी रहती, वो अपना स्कूल स्कूल नहीं देखे हैं। सभी घर में भाग गए, मम्मी को गांव में भाग गए, तुम मुझे जाए। अरे तो फिर हम क्या करें फिर बताओ, चुप हो जाओ, जब तुमसे केयर है तो बता। 10-10 मिनट पर रो रहे यार, कुछ समझ में नहीं आ। अरे तो भाई जैसे मोड़ी की पढ़ाई छूट रही थी ठीक है, अब ठीक है 4-5-6 दिन तो रह गई, बहुत है। अब अपनों काम नहीं देखें घरे, तो अपनों काम देखो, वो तो बस 10-15 मिनट ठीक है, उसके बाद फिर खड़ी खड़ी रोन लगे के बुरा लग रहा हो, जी लग रहा हो, तो फिर चली जाती संग है गुनगुन के। हैं चलो छोड़ दें तुम्हें भी। ऐसा करियो नहीं, ऐसा करियो, हम बता रहे कल तुम्हें 7:30 बजे हम तुम्हें भी बिठा लिया वही में भूपेंद्रा में, सो तुम उतर जाइयो। हैं उधर वाले काम को करें किते, तो बस तो अब यही सोचोगे भाई, जैसा तुम्हें अपने घर काम है ऐसे ही उनके घर भी काम है ठीक है। एन बेसी काम नहीं है, किसानी को नहीं है, तो भाई खाना पीना को भी तो जो भी तो देखना है। चलो काम करो ठीक है।